कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जरूरी नहीं है कि जिंदगी की हर कहानी वैसे शुरू हो जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली अनप्लान होती हैं, और देखा जाए तो अक्सर हमें मज़ा भी उन चीज़ों में ज़्यादा आता है जो बेसिकली अनप्लान होती हैं। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको लेके चलते हैं उसी जगह जहाँ पर ये कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि आज की कहानी भी कुछ ऐसी है अनप्लान। उस दिन मैं और सम्राट गए थे डेकथलन पे ट्रैकिंग के कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिलीगुड़ी पे एक अकेली जगह है जहाँ ट्रैकिंग के रिलेटेड सामान मिलते हैं, और भैया जी को भी ज़रा ये जगह घूम के देखनी थी तो हम उनको लेके आ गए थे। अब क्या है कि बचपन से लेके आज तक भैया जी स्पोर्ट्स के एक अच्छे प्लेयर रहे हैं, क्रिकेट फुटबॉल अच्छा खेल रहे हैं, वैसे तो भगवान का दिया इनका सब कुछ है और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ शौक रखते हैं और क्या कर सकते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मैं सारा क्रिएटर फेस के पोस्ट प्रोडक्शन के काम को लेके उलझ चुका था, इस वजह से मुझे ट्रेकिंग के प्लान को कैंसिल करना पड़ा, और मेरे वजह से मेरे दोस्त भी गए नहीं। फिर जब मेरा काम थोड़ा हल्का होके आया फिर मैंने उनको कहा कि इस वीकेंड एक शॉर्ट ट्रिप करते हैं जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। फिर मैंने श्रेयम को कॉल लगाया, आपके डोमिनर वाले भैया, तो उन्होंने कहा ठीक है तू प्लान बना हम चलते हैं, कोई नहीं। तो प्लान बनाया गया कि दार्जिलिंग चलते हैं, टाइगर हिल जाएंगे, बस चिल करेंगे, बस यही प्लान था। तो एक ऐसा कच्चा प्लान बन चुका था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरी बाइक की दुर्दशा बनी हुई थी। तो हुआ क्या था, मेरी बाइक का जो सैडल कैरियर था उसका वेल्डिंग टूट गया था, तो फिर मुझे जाना पड़ा गैराज, उसे ठीक करवाना पड़ा। तो भैया जी यहाँ का काम तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो मिलते हैं अगली सुबह। सुबह सुबह हम तैयार हुए थे बस, और भैया जी आ पहुँचे। उनकी चेहरे की हंसी देख के तो ये साफ पता चल रही थी कि भैया जी तो बड़े मौज में हैं। एक छोटा सा किस्सा है सुनाते हैं आप लोगों को। भैया जी अक्सर कहते हैं मजाक मजाक पे कि किसी दिन अगर तुम्हें पब्लिक पे अच्छी खासी मार पड़े ना, हम तो भैया जी तुम्हें कह देंगे हम तुम्हें नहीं जानते। लेकिन असलियत में हम सबको पता है कि खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर मेरी आँख हॉस्पिटल पे खुलती है तो सबसे पहले नज़र के सामने जो इंसान मिलेंगे वो यही होंगे। तो भैया जी चलिए रास्ते पे जाके हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारे किस्से तो ख़त्म होने नहीं वाले, और यहीं पर अगर रुक गए तो लेट हो जाएंगे। वैसे सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मौसम भी बहुत साफ है, इतनी धूप है यहाँ लेकिन ज़रा से भी गर्मी फील नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पर, क्या कहें। और कंचनजंगा भी बहुत साफ दिख रहा है यहाँ से, लेकिन शायद वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें ये देखने को ना मिले। देखिए यहाँ बात करते करते लेट हो रहा है और हम देखे ही नहीं। तो भैया जी एक काम करते हैं, हम पहले बाइक थोड़ा भगा लेते हैं, तब तक आप एक अंग्रेजी गाना सुनें, फिर हम सिलीगुड़ी पहुँच के आपसे बात करते हैं, ठीक है। You made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? A few moments later. तो भैया जी फिलहाल तो हम सिलीगुड़ी आ चुके हैं और श्रेयम हम लोगों का यहाँ दार्जिलिंग मोड़ के इधर इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम थोड़ा यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, चाय पियेंगे, सम्राट के साथ उनको मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि वो तो मिले नहीं इनसे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं पुराने गाना सुनना पसंद करता हूँ, और फिलहाल मुझे किशोर जी का एक गाना याद आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो गाना मेरे साथ सुने और यहाँ की खूबसूरती का ज़रा लुत्फ़ उठाएं। तो फिर आगे जाके हम जब एक ब्रेक लेंगे फिर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे
दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो भैया जी कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया भैया जी, क्या क्लियर वेदर है आज तो, जहर जहर वेदर है। क्या लग रहा है? और हम आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा नहीं है भाई, कोहरा नहीं है। रोज को क्या बोलते हैं, धूप 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 ही धूप, जादू जैसा फील हो रहा है। धूप आया एनर्जी बढ़ा। अलग ही भाई 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 साहब। यहाँ पर दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट पूरे, एंजॉय करो। चल अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, ऐसे न आए बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हम ब्लॉगिंग खेलने कैमरे के सामने आ गए हैं। बाकी तो आई होप आप लोगों को कहानी में मज़ा आ रहा होगा। एंड यहाँ पर आके हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एंड ब्रेकफास्ट किया था बहुत पहले सिलीगुड़ी में, तो अभी हम कशियंग और दार्जिलिंग के बीचों बीच है, ऑफ रोड कह सकते हो, ऑफ रोड नहीं मतलब ऑफ बीट जगह। तो यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाते हैं, आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे भैया जी। फिलहाल हमें टाइगर हिल पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग जाए, तो हम एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, फिर आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाते हैं। तो चलिए हम
भैया जी आगे के जो सीन हैं वो थोड़े अलग होने वाले हैं, तो बेहतर है वो आप मेरी जुबान से ना सुन के खुद ही देख लीजिए। यारी तेरी यारी चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी। यारी चल माना इस बारी सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी। खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी, इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। कर बेरंगी शामें हुड़दंगी मस्त बरंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा इस वीडियो में अपने लाइक कमेंट शेयर के थ्रू, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को। तो इस दुर्गा पूजा अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिताइए, क्योंकि मैं तो चल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी सी छुट्टी बिताने के लिए। फिर मिलता हूँ एक अच्छे वीडियो लेके आप लोगों के पास, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड डू व्हाट यू वांट। माय लव फ्रेंड्स शावक है, बाय 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 बाय।